ज्वालामुखी बस स्टैंड के समीप पार्किंग के पास एक ट्रक ने कोने में बनी दुकान को उखाड़ दिया, जिससे दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हादसे में दुकानदार को भी मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पार्किंग के पास बनी दुकान में दुकान मालिक अपने कार्य में व्यस्त था कि तभी एक सब्जी से भरा ट्रक पार्किंग से होते हुए मुख्य सड़क की ओर जा रहा था। एक तरफ डिवाइडर होने के कारण उसने जैसे ही दुकान के पास से ट्रक निकाला, उसका ऊपर का कोना पूरी तरह से फंस गया और पूरी दुकान उखड़ कर बाहर आ गई। दुकान में लगा पंखा भी गिर गया, जिससे दुकानदार दुकान से बाहर निकला। इस दौरान उसे मामूली चोटें भी आईं। अगर ट्रक थोड़ा सा और अंदर की तरफ हो जाता तो कई दुकानें उखड़ सकती थी और जानमाल का भारी नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल दुकानदार का सारा शेड, काउंटर और सामान बिखर गया है और पूरी तरह वे नष्ट हो चुका है। दुकान के मालिक ने बताया कि वैसे ही दुकान कई महीनों के बाद खुली थी और अब उसे हजारों का नुकसान हुआ है। और एक रूम से सब कुछ चल हो गया, पंखा लगा तो ऊपर, और मेरे को चोट लगने से बच गया। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? 70,000 का खर्चा मेरा। इस टाइम टीवी टूट गया मेरा, सारे काउंटर टूट गए हैं। दूसरी तरफ ट्रक के मालिक ने अपनी गलती मानते हुए नुकसान की भरपाई का जिम्मा उठाया है और कहा कि वे दुकान को पूरी तरह से ठीक करवाएंगे। दोनों पक्ष के समझौते के बाद मामला दर्ज नहीं किया गया।